इरा लो अंकल दे रहे हैं जल्दी लो जल्दी इधर आओ मैं हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशीस कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है मेरा मनाली में सेकंड डे। जैसे आप सब लोगों को मालूम है मेरी पहली वीडियो में देख के कि मैं मनाली आई हुई हूँ। तो अभी तो सबसे पहले हम लोग सोलांग वैली गए थे, जो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, और अब हम आए हैं यहाँ पर। ये यहाँ का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अच्छा मंदिर है, इसका नाम है हिडम्बा देवी टेम्पल। तो यहाँ आते ही एक तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है और ओल्ड मनाली की तरफ है ये, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड भी है। और यहाँ आते ही मेरी बेटी को मिल गया याक, तो वो फिर से शुरू हो गई याक पे बैठने के लिए। तो उसको हमने थोड़ा सा एंजॉय कराया याक पे बैठा के, एंड देन फिर हम लोग अपना प्रसाद वगैरह लेके आगे बढ़े। और अंदर थोड़ा सा ही अंदर जाने के बाद फिर से मेरी बेटी को रैबिट मिल गए थे। एक्चुअली मनाली में कहीं पे भी आप चले जाओ ये रैबिट मिलते ही, और ये वाकई में इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि आप इन्हें देख के रुके नहीं सकते इन्हें छूने से। तो मेरी बेटी खुश हो गई उनको लेने के लिए, तो उसने फिर से रैबिट के साथ थोड़ा सा इंजॉय करा। और उसके बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग बढ़ गए आगे की ओर। बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये रहा हिडम्बा देवी टेम्पल, जो काफ़ी हद तक स्नो से ढका हुआ था। एक्चुअली हम लोग जब पहुँचे तब तक धूप निकल आ चुकी थी और स्नोफॉल हुए 2-4 दिन हो चुके थे, तो सारी स्नो पिघल गई थी। बट यहाँ बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल था। सब तरफ इस तरीके से ये चीड़ के पेड़ आप लोगों को मिल जाएंगे, जो काफ़ी ऊँचे हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल भी थे। और उसके बाद ये मेरी बेटी यहाँ ऊपर आकर थक गई और ये बैठ गई, और फिर मैंने थोड़ा सा लिया मज़े। और ये जो भी नीचे है ये सब बर्फ़ जम चुकी है, क्योंकि लोग चलते हैं तो वो गंदी भी हो जाती है, चल भी जाती है, तो वो उसको जम गई थी। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है सीरियसली। और मुझे यहाँ का सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा ना, वो यही लगा कि चारों तरफ जो ये चीड़ के पेड़ हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मैं अभी आपको पास से ये टेम्पल दिखाती हूँ। ये आप थोड़ा सा पास से देखोगे ना, तो जो प्राचीन टाइप के टेंपल होते हैं वही है। मेरे पापा अंदर दर्शन कर आ गए थे, तो ये बाहर अपना फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो ये यहाँ पे सब एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ने की सोची। एक्चुअली हम लोग होटल से सुबह के निकले हुए थे, मंदिर जाना था, तो कुछ खाया पिया नहीं था हम लोगों ने। तो बस हम लोगों ने फटाफट से किए थे दर्शन, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, मतलब बिल्कुल गलन वाली ठंड थी, जहाँ हाथ पर हम लोग बिल्कुल सुन्न हो रहे थे। और ये सब करने के बाद हम लोग फिर नीचे की तरफ उतरने लगे। और नीचे उतरने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने करी अपनी पेट पूजा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। लेकिन वहाँ पे आपको खाने के लिए ज़्यादा कोई वैरायटी मिलनी नहीं है, और वहाँ कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी। तो ये रैबिट बहुत ब्यूटीफुल है, आप देख लीजिएगा, बहुत सुंदर थे यार वाकई में। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे कोई पापड़ी चाट समथिंग मिल रही थी, बस वही मिल रही थी, तो उसी को खा के हमने अपना काम चलाया। इंजॉय करने के बाद हम लोग पहुँच गए गाइस मनाली क्लब, जहाँ पे ये व्यास नदी थी, जहाँ पे पूरे में स्नो ढकी हुई थी। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बस मैं आगे के व्यूज़ नहीं ले पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी गाइस, मतलब इतना भरा हुआ था, इतना रश है इस टाइम मनाली में कि गाड़ी तक कहीं खड़ी करने की आपको जगह नहीं मिलेगी। तो ये सब करने के बाद हमने थोड़ा सा ओल्ड मनाली विज़िट किया, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि कैसा है वहाँ पर, नेचुरल चीज़ें हैं जो होनी चाहिए।
रास्ता बहुत ब्यूटीफुल सा भी लग रहा था वहाँ, बट गाड़ी रोकने की जगह ही नहीं मिल रही थी, तो हम लोग बस ऐसे देखते हुए निकल गए आगे। उसके बाद हम लोग गए खाना खाने, तो ये मैंने वहाँ पे खाया सिद्धू, जो यहाँ की लोकल डिश है, तो मैं एक बार इसको खाना चाह रही थी, देखना चाह रही थी कि कैसी होती है, क्योंकि कहीं पर भी जाओ वहाँ की अपनी लोकल चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ये सिद्धू ट्राई किया, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, फिर अपना इंजॉय किया। इस तरीके से हमारा सेकंड डे हुआ फिनिश। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फोटोज़ आप लोगों को इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी पर मिल जाएगी जो मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।